है, एक सूतीय धारा है, एक व्यासीय धारा है। अगर पाणिनि की कृपा हो जाए तो भागवत जी का शब्दार्थ लगाया जा सकता है। अगर टीकाओं की कृपा हो जाए, श्री बलदेव विद्या भूषण की कृपा हो जाए, श्री वीर राघव चरणपाद की कृपा हो जाए, श्री मधुसूदन सूरीपाद की कृपा हो जाए, श्री मधुसूदन गोस्वामीपाद की कृपा हो जाए, अगर श्री सुबोधनी कार्य की कृपा हो जाए तो भागवत का भावार्थ लग सकता है। पाणिनि की कृपा शब्दार्थ लगा देती है, टीकाओं की कृपा भावार्थ लगा देती है, पर अगर किशोरी जी की कृपा हो जाए तो रसार्थ का उद्घाटन हो जाता है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम निबत्पत्या न टीकया, उसके पूर्व में अवस्थित श्री मदत्व उसकी इस विलक्षणता का प्राकट्य करता है। अभ्यास के द्वारा ज्ञान को जन्म दिया जा सकता है, पर किशोरी की कृपा हृदय में ज्ञान को प्रकट करती है। जो जन्म लेता है एक दिन उसकी मृत्यु अनिवार्य है, पर जो प्रकट होता है वो अमर होता है। इसके पूर्वगत स्थित श्री मदत्व उसी करुणा का परम प्रकाश करता है। बहुत समय पहले वृंदावन में बड़ा विचार हुआ भागवत में श्री राधा हैं कि नहीं, अरे स्वयं भागवत ही राधा है महाराज। यह स्वयं श्री किशोरी जी का ही परम मनोरथ है, ये श्री मदत्व से युक्त है, प्रथम अक्षर ही श्रीमद है। जैसे कोई यमुना में स्नान करती हुई देवी और किसी पथ के ऊपर चले तो उसकी नीभि के कोने के भाग से बिंदु 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 जल उसके पीछे निपतित होता चलता है, ऐसे ही जब श्री प्रिया जी श्री श्याम सुंदर के विरह समुद्र में स्निग्ध होती हुई श्री वृंदावन की बीथी में विचरण करती हैं, तब उनकी भी नीभि के आंचल के भाग से बिंदु बिंदु नहीं सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदग्ध सिंधु, रणुराग रसिक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, मृतक छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केली सिंधु। अभी एक पानी के बूंद धरती पर गिरे तो टकराती उच्छलित होती हुई सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में आगे गिरती है, फिर उसमें पुनः सूक्ष्म बिंदु पुनः आगे गिरती हैं, फिर उसमें पुनः सूक्ष्म बिंदु पुनः आगे गिरती हैं। किशोरी जी से उछल करके वो रस गोपियों में आ गया, गोपियों के गमन से उछल करके वृंदावन की दूरबा में आ गया, उन दूरबा का आस्वादन करने से गैयाओं में आ गया, गैयाओं का दुग्धास्वादन करने से बहती हुई वही धारा आज श्री ठाकुर जी के इस निवास स्थान पर प्रकट हो रही है। ये भागवत की विलक्षण द्वितीय परंपरा का स्वरूप है, इसको छोटा नहीं समझिएगा। हम सबका सौभाग्य है, वेद से तो भगवान की स्तुति अनेकों बार सुनी है, वेद से स्तुति हुई है, आज वेद की स्तुति का आस्वादन कर रहे हैं। अतः मैं पहले तो गर्म हुआ था, फिर थोड़ा ठंडा हुआ, फिर थोड़ा जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया आपके आने से, पर टाइम कम है। एक बात अंत में और कहूंगा, महाराज जी मेरे पास विराज रहे हैं। इस घर के दो उत्सव होते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि मेरा ही घर है, और भावनात्मक घर तो है ही है पर रिश्तेदारी भी है हमारे। तो हम इंद्रेश जी के जीजा परिवार के आदमी हैं, तो थोड़ा और लड़के वाले थोड़ी ज्यादा अदब में आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सजा धजा आया हूं। तो इस घर के दो उत्सव हैं, श्री ठाकुर जी महाराज गुरु उत्सव मनाते हैं और उसके प्रसाद रूप में इंद्रेश जी महाराज गोविंद उत्सव मनाते हैं। हमारे श्री महाराज जी अपने गुरुदेव का ये उत्सव करते हैं और उसी गुरु की सेवा का प्रसाद श्री कृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति है। उसी प्रसाद रूप में गिरधर लाल जी इस घर में पधारे हैं और श्री इंद्रेश जी श्री गिरधर लाल जी की सेवा का अवसर पाते हैं। गुरु सेवा का ये प्रत्यक्ष क्रम इसी रूप में अवस्थित होता है। इस गुरु उत्सव और गोविंद उत्सव एक ही बात, सूरदास जी से पूछा तुमने किसी भी पद में गुरु का नाम क्यों नहीं लिखा, एक जगह भी गुरु की वंदना नहीं करी, तो सब बोले, सूरदास जी बोले अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा कि मैं इन सारे पदों में गुरु की ही वंदना कर रहा था, वो नाम गोविंद था पर मैं तो गुरु की ही वंदना कर रहा था। ऐसा ये मंगल उत्सव, मुझे तो पूरा बैठना था और यहीं रहना था, श्री राधारमण जी में एक कथा का क्रम चल रहा है, पर मुझे मालूम था कि आज यहाँ उत्सव शुरू है तो उसके समय को मैंने थोड़ा आज आगे बढ़ाया क्योंकि आपके यहाँ उत्सव है, ये मेरा सौभाग्य है। श्री ठाकुर जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हुआ, उपस्थित संत वृंदों को प्रणिपात करता हुआ, श्री इंद्रेश जी के ठाकुर जी से खूब लाड़ लड़ाता, उनको दंडोत करने वाले बहुत मिलते हैं, उनको हृदय से लगाता हुआ, उनको नेक आलिंगन करता हुआ अपनी बात को विश्राम करता हूँ। श्री राधा।
बहुत अद्भुत। पूज्य महाराज श्री अपनी अलंकृत वाणी के लिए जाने जाते हैं और जो उन्होंने अपनी वाग्धारा से हम लोगों के हृदय में गोविंद का सृजन किया है वह अतुलनीय है, अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने विस्फोट से विनाश देखा होगा, पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में स्फोट से सृजन कैसे होता है?